नमस्कार। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो राष्ट्रीय केमिकल्स स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि RCF स्टॉक ने कल एक तेज़ी दिखाई दी थी, उसी तेज़ी को आज कंटिन्यूस देखने को मिला। आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, बट बाइंग साइड में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है पिछले दो दिनों में, क्योंकि कल एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। ये जो लेवल थी यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बन चुकी थी लेवल, और नीचे एक यहाँ पे देख सकते कि साइडवेज मार्केट चल रहा था, क्योंकि नीचे 108-110 लेवल सपोर्टिव थी, इसके बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा था। तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया, उसी को कंटिन्यूस देखने को मिली है मोमेंट। तो ऊपर के लेवल्स की भी देखा जाए तो 120 पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस आएंगे, पर यहाँ पे वॉल्यूम्स पॉजिटिव रहते हैं, जैसे कि पिछले दो दिनों से वॉल्यूम्स नज़र आए वैसे वॉल्यूम्स रहते हैं, तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी मिल सकता है, क्योंकि आज 118 पे क्लोजिंग दिए 1.85 पैसे ऊपर, 1% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन स्टॉक के यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो ऊपर के साइड यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे दोनों मूविंग एवरेज, थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे, पर क्रॉस हो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट RCF के लिए।